स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारे सौर मंडल और उनसे पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में पहले थियरी देखेंगे, उसके बाद उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, और ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपको बता चुके हैं कि पहले यहाँ पे हम थियरी कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा ताकि आप अपना टेस्ट दे सकेंगे। अगर आप इस थियरी को अच्छे से देखेंगे तो इस वीडियो के लास्ट में आने वाले 10 क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे, और ये 10 क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, मतलब कि जो बिना मतलब का है, वो एकदम नहीं बताएंगे, वही आपको बताया जाएगा जो कि परीक्षा में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। सबसे पहले शुरू करें सौर मंडल से। तो सौर मंडल मतलब कि सौर परिवार भी इसे हम कहते हैं, जिसमें कि बीच में एक सूर्य है और 8 ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 8 ग्रह कैसे लगातार चक्कर लगा रहे हैं, सबकी दिशा और सबकी जो गति है अलग है, सबके आकार अलग हैं। तो यहाँ पे 8 ग्रह हैं, और ये अभी तक जो 8 ग्रह हैं उनके 172 उपग्रह भी ज्ञात किए जा चुके हैं। तो ये है इस पेज से। और अब हर पेज के बाद एक अच्छी बात ये होगी कि हर पेज के बाद हम आपको बताएंगे कि इस पेज से क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ से यही पूछा जा सकता है ग्रहों की संख्या जो है 8, और ये 9 हुआ करती थी, लेकिन 2006 से हमने 8 ग्रह ही मानना शुरू कर दिया। जो एक ग्रह था यम, हमने उसको मान्यता देना बंद कर दिया। कई लोग ये सोचते हैं कि यम अब ग्रह नहीं है, मतलब कि वहाँ जगह पे यम नहीं है, ऐसा नहीं है। यम आज भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम उसे ग्रह नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे केवल 8 ग्रह है, और ये कब से? 2006 से। अगला पेज है, और इसमें हम देखेंगे सूर्य के बारे में। तो सबको पता है कि सूर्य एक तारा है, और यहाँ पे अगर आप पृथ्वी को बना दें तो पृथ्वी का क्लास कुछ इस तरह है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी यहाँ सबसे दूर है और यहाँ पृथ्वी सबसे नज़दीक है। तो जो सबसे ये नज़दीकी दूरी है, ये है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और जो ये सबसे ज़्यादा दूरी दिख रही है 15.21 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा जो सूर्य का व्यास है ये इतना है 93,000 किलोमीटर, और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का टाइम लेता है। तो जो ये टाइम है 8 मिनट 16.6 सेकंड, ये आपको ऑप्शन में लगभग 500 सेकंड भी लिखा होता है, तो ये 500 सेकंड आप ट्रिक कर सकते हैं, जो कि लगभग में है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है, और यहाँ पे सूर्य में हाइड्रोजन 71% है, और इसके साथ हीलियम 26% है। इसके अलावा जो भी 3% लगभग बच रहा है, ये अन्य गैसें हैं। तो आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है, यही दोनों गैसों का संलयन होता है। अब संलयन का मतलब क्या है? तो संलयन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, और इसमें अपार ऊर्जा निकलती है, जैसा कि आप हाइड्रोजन बम में देखते हैं। हाइड्रोजन बम में, तो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो यहाँ पे इसमें संलयन ही होता है, अधिकतम मात्रा है हाइड्रोजन की, और दूसरी गैस है हीलियम। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस पेज से क्या क्या जरूर याद कर लेना है, क्योंकि वो कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि ये टाइम कितना लेता है पृथ्वी तक आने में, तो 500 सेकेंड। यहाँ पे कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन है, कितनी है तो 71%, और इसके अलावा हीलियम है 26%। यहाँ पे गैसों के साथ होता क्या है, तो गैसों के साथ होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो प्रक्रिया होती हैं, तो आपको संलयन याद रखना है, विखंडन नहीं। क्योंकि विखंडन में क्या होता है कि विखंडन में एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो विखंडन एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो सूर्य है वहां पे नाभिकीय संलयन होता है। बढ़ते हैं आगे। आगे हम देखेंगे ग्रहों के बारे में। तो देखिए, ग्रहों की संख्या होती है 8, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। इसमें से 6 ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जो 2 ग्रह हैं ये पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ये 2 ग्रह कौन कौन से हैं, तो ये है शुक्र और दूसरा है अरुण।
ये दोनों ग्रह जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि दो ग्रह जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं, ध्यान से सुनिए आपको याद हो जाएगा। और अगर आप ये सब जो देख रहे हैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका लिंक पा जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो 6 ग्रह हैं ये पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाएंगे, जिसमें पृथ्वी भी है। जो 2 ग्रह हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाएंगे, जो है शुक्र और अरुण। यहाँ पे जो 8 ग्रह हैं उनको चार चार के भागों में बांट दिया जाता है, और बांटने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो इन चारों के बीच में थोड़ी सी हमने गैप बनाया है। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। तो कई बार आपसे परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि किस और किस ग्रह के बीच में ये पिंड पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि चौथा ग्रह कौन सा है, तो मंगल है, और पांचवा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ पे इनका क्रम पूछता है कि शुरू से आप क्रम बताइए, तो पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके अलावा इन ग्रहों को आकार के भी क्रम में पूछता है, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो अगर घटते क्रम में पूछे तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और अंतिम में बुध। अब देखिए यहाँ पे आपको जब एक एक ग्रह के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको हर ग्रह के बारे में विस्तृत से बताते चलेंगे, लेकिन इस पेज से आगे जाने से पहले आपको बता दें कि इसमें पूछा क्या जाएगा। तो इस पेज से पूछा जाता है 2 ग्रहों के बारे में जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं, केवल 2 है, शुक्र और अरुण। इसके अलावा पूछा जाता है कि आकार के अनुसार पृथ्वी कौवा ग्रह है, आकार के अनुसार पृथ्वी कौवा ग्रह है आकार के घटते हुए क्रम में, तो पृथ्वी 5वां ग्रह है। आप काउंट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अगर घटते क्रम में देखा जाए तो पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है, और इसके अलावा अगर इस तरह देखा जाए दूरी के आधार पे तो पृथ्वी 3रे नंबर पे पड़ती है। आगे बढ़े तो अब शुरू करते हैं ग्रहों को, जिसमें से सबसे पहले आता है बुध, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सबसे निकट भी है। कई लोग कहते हैं कि ये सबसे निकट है इसलिए सबसे ज्यादा गर्म भी होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये केवल 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है, जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग वाले वीडियो में देखा, ये तेजी से चक्कर लगाता है और इसकी दूरी भी कम है, तो केवल 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि बुध पे जो 1 साल होता है केवल 88 दिन का ही होता है। सूर्य के इतना नजदीक है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है और यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल होना जरूरी है तभी वहाँ पे हवा होगी। और आपको बता दें कि पृथ्वी से यह 18 गुना छोटा है, कितना, 18 गुना। यहाँ पे जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है 3/8 है, और बुध का तापांतर, मतलब कि यहाँ पे जो ताप में डिफरेंस आता है, मतलब कि दिन में कितना है और रात में कितना है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ये 560 सेंटीग्रेड का होता है। मतलब कि 560 सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है, 560 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो यहाँ पे घूर्णन काल है 58.6 दिन। अब देखिए इस पेज से आपसे क्या क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, तो बुध। सबसे कम समय में चक्कर कौन लगा लेता है, तो बुध। और इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि पृथ्वी से ये कितना छोटा है, तो ये 18 गुना छोटा है। इसके अलावा आप देखेंगे शुक्र के बारे में, और आप यहाँ से शुक्र को स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके शुक्र से। और शुक्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का कारण ये है कि इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है, इसलिए यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। इनफैक्ट अगर आप सुबह में या फिर शाम को देखेंगे तो एक तारा दिखता है, तारा जैसे, वो शुक्री होता है। तो यहाँ पे शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला है, पृथ्वी के नजदीक है और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। एक चीज का ध्यान रखिए, बुध सबसे नजदीक है तो लोगों को लगता है कि बुध सबसे ज्यादा गर्म है, लेकिन ये बात गलत है। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है, शुक्र, ये आप याद रखिएगा। इसका तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यह सूर्य का परिक्रमा करने में 225 दिन का वक्त लेता है। कितना वक्त, 225 दिन का। चक्कर कैसे लगाएगा, तो यह पृथ्वी के उल्टा चक्कर लगाता है, पूरब से ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ ये चक्कर लगाता है। और इसके जैसे बस एक ही और ग्रह है, वो है अरुण, यानी कि शुक्र और अरुण दोनों पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाएंगे।
और जब पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाएंगे तो वहाँ पे जो सूर्योदय होगा पश्चिम में होगा, सूर्यास्त होगा वो पूरब में होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे लगभग 3.5% नाइट्रोजन है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है कि यहाँ पे रुकना नामुमकिन है। और आपको बता दें कि ये इतना हीट है, सबसे ज़्यादा गर्म भी है, इसलिए भी आप यहाँ पे नहीं रह सकते। इसके अलावा आपको बताएं इसके बारे में, तो ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। कई बार आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि पृथ्वी के से सबसे नज़दीक कौन है, शुक्र है कि मंगल है? तो सही है शुक्र, पृथ्वी से सबसे नज़दीक है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको साँझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। शाम या फिर सुबह में आप देखेंगे तो आपको यह चमकीला तारा के जैसे दिखता है। इसे भग्नि ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी की, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के लगभग समान ही है। इसका आकार, घनत्व, व्यास, ये सब इसके पृथ्वी के बराबर है, क्योंकि यह 225 दिन में चक्कर लगाता है और पृथ्वी 365 दिन में। और यहाँ पे बता दें कि इसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण अंत ग्रह की श्रेणी में भी ये आता है। अब चलिए अगले ग्रह पे बढ़ते हैं पृथ्वी के, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शुक्र से क्या क्या पूछा जाता है। तो शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला है, सबसे ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे एक चक्कर 225 दिन में होते हैं। यह पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है अरुण के समान। तो ये चार चीज़ें इस पहले पेज से पूछी गई हैं। दूसरे पेज पे आते हैं तो यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। इसे शाम या फिर भोर का तारा कहते हैं। यह पृथ्वी की बहन कहलाता है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र से 8 से 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आप उनका जवाब तभी दे पाएंगे जब मतलब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अगला है पृथ्वी, जो कि हमारी पृथ्वी है और ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, इसके अलावा और कहीं जीवन नहीं है। हालांकि हम मंगल पे लगातार काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। सूर्य के दूरी पर यह तीसरे स्थान पे आता है और अगर आकार में देखा जाए तो ये 5वें स्थान पे आता है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसे हम कहते हैं नीला ग्रह। नीला ग्रह इसलिए क्योंकि इसमें जल की अधिकता है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी पर 71% भाग जल है और बाकी जो 29% है यहाँ पे स्थलीय है, और इसी पर वन भी है। जो स्थलीय वाला भाग है इसी में वन ही भी समाहित है। पृथ्वी अपने डिग्री पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जिसके कारण यहाँ पे ऋतु का परिवर्तन होता है। जो मौसम में परिवर्तन आते हैं ये 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होता है। तो इस पेज से आपको देखना है कि पृथ्वी तीसरे स्थान पे है, पांचवा बड़ा ग्रह है और इसे नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि ये नीला दिखता है और यहाँ पे 71% भाग जल है और ये 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। आगे आपको बताएं पृथ्वी के बारे में, तो यह सूर्य का परिक्रमा करने में जो टाइम लिया जाता है इसे हम सौर वर्ष कहते हैं, यानी कि 365 सही 1/4 दिन को एग्जैक्ट होता है, 365 सही 1/4 दिन। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि सबसे पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है और कब नज़दीक होती है, तो ये भी कई बार पूछा गया है। 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है और 3 जनवरी को सबसे अधिक नज़दीक होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 8 मिनट 18 सेकेंड के लगभग लगभग। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा का प्रकाश कब तक आता है, तो ये आता है 1 मिनट 25 सेकेंड में, 1 मिनट 25 सेकेंड में। तो देखिए हम केवल उन्हीं चीज़ों को फोकस कर रहे हैं जो आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे हम बाकी के चीज़ों पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इसे कवर कर सकें। देखिए यहाँ पे पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में इसे पूरा करती है एक चक्कर, जो कि यहाँ 365 दिन और 6 घंटे आपको दिख रहे हैं। और यही 6 घंटे जब 4 साल यानी कि 6 चौक 24 घंटे होते हैं, तो यही 24 घंटे एक दिन के बराबर हो जाता है और उस वर्ष लीप वर्ष होता है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो हर साल का यही 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे यानी कि एक दिन बढ़ा देती है। पृथ्वी का आप व्यास देखेंगे तो ये है 12,756 किलोमीटर और ये विषुवतीय व्यास है,
ध्रुवीय व्यास की बात करें तो यह है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का बस एक ही उपग्रह है, यह है बस चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। और आप देखेंगे कि पृथ्वी किधर से किधर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी चक्कर लगाती है पश्चिम से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यानी कि जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगाएगी तो हमें सूर्य दिखेगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसके अलावा पृथ्वी का सबसे निकट का तारा पूछा जाता है आपसे सूर्य के बाद, तो यह है प्राक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। तो सूर्य के बाद अगर पूछा जाए कि कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे निकट है, तो यह है प्राक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं थोड़ी सी चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा को लेकर आप कंफ्यूज ना होइए, यह ग्रह नहीं है, यह उपग्रह है जो कि पृथ्वी का है। और ये पृथ्वी के लगभग एक चौथाई है, मतलब कि अगर चार चंद्रमा को जोड़ देंगे तो एक पृथ्वी बन जाएगी। जो हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, जिसके लिए हमने चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भेजा है, इसको हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। इस मतलब कि जो अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, इसके लिए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का कुल टाइम लगता है। हालांकि अगर एग्जैक्ट देखें तो 15 सेकेंड और भी है, लेकिन आप एन एवरेज 27 दिन या फिर 28 दिन, जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आप ट्रिक कर सकते हैं। इससे जो पृथ्वी की दूरी है 38,465 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि चंद्रमा पे एक ग्रहण भी होता है जिसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, और ये हमेशा होता है पूर्णिमा को। और ये कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तभी जाके चंद्र ग्रहण होगा। एक चीज़ याद रखिए कि चंद्र ग्रहण तभी होगा जब पूर्णिमा होगा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, उसी दिन चंद्रमा पे ग्रहण लगता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पे चंद्रमा पे एक पर्वत चोटी भी है जिसका नाम है लिबनिटीज, और जिसकी ऊंचाई है 35,000 फुट, यानी कि अगर आप मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 10,668 मीटर। चंद्रमा का व्यास है लगभग 3,467 और किलोमीटर, और इसकी त्रिज्या है लगभग 1,738 किलोमीटर में, यानी कि त्रिज्या का आप डबल कर देंगे तो व्यास आ जाता है। इसके अलावा जो चंद्रमा है, ये सूर्य के संदर्भ में जो परिक्रमा करता है उसको हम चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं, लेकिन चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। सबसे पहले चंद्रमा पे अमेरिका ने अपना अंतरिक्ष जो एजेंसी है नासा, उसके द्वारा अपोलो 11 को भेजा था, और इसमें नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आस्ट्रिन गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है, तो यह है नील आर्मस्ट्रांग, और ये गए थे 1969 में। इनको किसने भेजा था, तो नासा ने। नासा एक अमेरिका की एजेंसी है, और जो हमारी एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो है हमारी एजेंसी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, लेकिन जो अमेरिकी एजेंसी है उसका नाम है नासा। नासा पे एक जगह है, उसको हम कहते हैं सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पे एक स्थान है, और चंद्रमा का अगर आप ये देखेंगे कि चंद्रमा कितना दिन पुराना है, तो चंद्रमा उतना ही दिन पुराना है जितनी कि पृथ्वी, यानी कि लगभग 460 करोड़ वर्ष। आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे पृथ्वी के बाद आने वाले ग्रह के, जो है मंगल, और इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और लाल ग्रह क्यों, क्योंकि वो लाल दिखता है, वहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड है इसकी मौजूदगी के कारण ही वो लाल दिखता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है, तो वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की वजह से। वह अपने अक्ष पे 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, बात हो रही है मंगल की, और इसलिए वहाँ पे मौसम परिवर्तन भी होता है, और इसीलिए मंगल पे कई मिशन किए जाते हैं। मंगल का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के बराबर है, और यह अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगा देता है, जितना कि लगभग लगभग पृथ्वी भी एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी को आप देखेंगे कि तो पृथ्वी दो चक्कर करती है, एक तो यहाँ पे सूर्य है तो एक चक्कर ऐसे परिक्रमा, और एक खुद के जगह पे राउंड होते हुए, तो ये दो चक्कर हैं। उसी तरह जो ये अपने धुरी पे चक्कर है, ये भी जो मंगल है 24 घंटे 6 मिनट में लगभग एक चक्कर लगा देता है। इसके अलावा मंगल पे आपको बता दें कि जो ये मंगल है, ये सूर्य की परिक्रमा करने में 668 दिन लेता है। और मंगल के दो उपग्रह हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। पृथ्वी का आपने देखा कि केवल एक उपग्रह है चंद्रमा,
लेकिन मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे अगर बड़ा ज्वालामुखी पूछे तो ये मंगल पे है और इसका नाम है ओलंपियस मॉन्से। ओलंपियस मॉन्से यहाँ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो कि मंगल ग्रह पे है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है। जब आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लोअर लेवल का या फिर इससे भी हार्ड, तो ये आपसे पूछा जाता है सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पे है। तो पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया और ये है मंगल ग्रह पे। और अगर आप इसकी ऊंचाई देखें तो ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। अब माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर है, अब इसका 3 गुना कर लीजिए, ये इतना ऊंचा पर्वत है। आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे पृथ्वी के बारे में। और आकार में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब कि सबसे बड़ा ग्रह दिखता है और इसीलिए इसको ज्वाइंट ग्रह भी कहा जाता है, दानव कहा जाता है। और सूर्य से अगर दूरी की बात करें कि मतलब सूर्य से कितना दूर है, तो ये 5वें स्थान पे आता है। पृथ्वी से ये 1300 गुना बड़ा है, मतलब कि जो पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई है इससे ये 1300 अगर पृथ्वी को आप जोड़ देंगे तो ये एक बृहस्पति बनेगा। ये सोच लीजिए आप कितना बड़ा ये है। यह अपने धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, यानी कि उतना बड़ा होने के बावजूद भी 9 घंटे 55 मिनट यानी कि लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा देता है। पृथ्वी कितने में एक चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी लगाती है 24 घंटे में। चंद्रमा कितने में लगाता है? तो 24 घंटे 6 मिनट में। लेकिन बृहस्पति लगभग 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है। तो अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो ये 11 वर्ष 9 महीने यानी कि लगभग 12 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूर्य का। जितना बड़ा है उतना ही दूर है और इसीलिए इसका जो कक्ष है ये बहुत बड़ा हो जाता है। बात करें बृहस्पति की तो वहाँ पर वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है और इसके 16 उपग्रह हैं। और इसमें से जो सबसे बड़ा है उसे हम कहते हैं गैनीमीड और यह पीले रंग का है। देखिए जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होगी वहाँ पे जीवन संभव नहीं है और इसीलिए पृथ्वी पे कभी बृहस्पति पे कभी भी कोई खोज नहीं होता है। इसके उपग्रह याद रखें 16 और गैनीमेड इनमें से सबसे बड़ा है और यह पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। यह सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से 5वें स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं तो यह है शनि। अब देखिए वीडियो खत्म होने वाली है तो अब आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप बने रहिए और उन 10 क्वेश्चनों को हल करिए जिससे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है और आपको सौर मंडल से कितना पता है। तो बात करते हैं अब शनि के बारे में, जिसको हम सैटर्न बोलते हैं और यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब कि पहला तो आपने देख लिया था बृहस्पति को, बृहस्पति के बाद अगर कोई दूसरा है तो ये है शनि। इसके चारों ओर एक छल्ला है, मतलब कि अगर आप फिगर में देखेंगे तो जो शनि है उसके चारों तरफ एक आपको छल्ला दिखता है और इसको हम वलय बोलते हैं और यही इसकी पहचान है। मतलब कि 8ों ग्रह में अगर किसी को नहीं पता है जहाँ पे छल्ला दिख रहा है, समझ जाइए कि वो शनि है, क्योंकि इससे बड़ा तो एक और ग्रह है बृहस्पति। और जो ये पूरा ग्रह पीले रंग का है और ये 29 वर्षों में एक परिक्रमा करता है सूर्य का, बृहस्पति 11 वर्षों में या फिर 12 वर्ष में, लेकिन जो शनि है ये 29 वर्षों में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व तो सबसे कम है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शनि किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, तो ये है शनि और ये पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना। यहाँ पे जो शनि का उपग्रह है सबसे बड़ा उसको कहते हैं टाइटन, और ये टाइटन इतना बड़ा है कि ये शनि का उपग्रह है लेकिन बुध के बराबर है, बुध के बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये है अरुण जो कि लास्ट से दूसरा ग्रह है और ये आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी की बात करें तो ये 7वें नंबर पे आता है और इसकी खोज की थी सर विलियम हर्सले ने। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अरुण जो है इसके जैसा बस एक ही ग्रह है और यह है शुक्र। दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि अरुण या फिर शुक्र में सूर्योदय किधर होगा, तो चलिए सूर्योदय और सूर्यास्त ये आपको दोनों बताना है, कमेंट करके बताइए। अरुण और शुक्र जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे किधर सूर्योदय होगा किधर सूर्यास्त होगा ये आप कमेंट करके बताइए। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 वर्ष में करता है। देखिए इतनी ज़्यादा दूरी है कि इसे एक चक्कर लगाने में लगभग 84 वर्ष लग जाते हैं। और अगर एक इसको खुद के
मतलब ये खुद के जो अक्ष है उस पर गति काउंट करे, जो इस तरह होती है, तो ये 10 घंटे से लेकर 25 घंटे है, इसकी सही काउंटिंग नहीं हो पाई है। और यह अपने अक्ष पे झुका हुआ है लगभग 82 डिग्री, और इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कई बार पूछा गया आपको कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो ये है अरुण। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं, और अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसे पढ़ सकते हैं एक पेज वाइज के रूप में। इसके जो अरुण है ये पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, और अगर आप ये इसे बिना दूरबीन के नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो दूरी है बहुत दूर है, ये सातवां ग्रह है, और यहाँ पे मिथेन गैस के दिखता है। मिथेन मतलब कि CH4, जिसको हम मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस। तो यहाँ पे मिथेन गैस के दिखता है और इसीलिए ये हरा दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर बलय पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कई बलय हैं और जो शनि है उसमें एक ही मोटा बलय पाया जाता है। इसमें जो अरुण में बलय है उनका नाम दिया गया है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। ये वो जो बलय है ये उसका नाम दिया गया है। इसके 21 उपग्रह हैं, जो ये अरुण है इसके 21 उपग्रह हैं, और इनके नाम कभी कभी आपसे पूछा गया है, जैसे मिरांडा, एरियल, ओबेरान, टाइटेनिया, कार्लेडिया, ओफेलिया इत्यादि। अब बढ़ते हैं अंतिम ग्रह की तरफ, तो ये है नेपच्यून यानी कि वरुण, और इसकी खोज की गई थी 1846 में जान गाले के द्वारा। अगर हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो आपसे ये पूछा गया है कई बार कि किसने खोज किया, तो जान गाले। हालांकि आपसे ईयर नहीं पूछा जाता है। यह सबसे दूर का ग्रह है यानी कि 8वां नंबर का ग्रह है, और ये जो अपना चक्कर लगाता है 166 वर्ष में चक्कर लगाता है। सोचिए इतने वर्ष में ये एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का, क्योंकि इतना दूर है। यह पीले रंग का दिखाई देता है। अभी आपने देखा जो अरुण की बात हो रही थी वो हरा था, लेकिन ये वरुण है ये पीले रंग का दिखाई देता है, और पीला इसलिए क्योंकि यहाँ पे अमोनिया अधिक है। अमोनिया के बाद हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस तो है लेकिन अमोनिया सबसे अधिक है। इसके 8 उपग्रह हैं जिसमें से टाइटन और नेरिड सबसे प्रमुख है। कितने उपग्रह? तो 8। तो अब देख लेते हैं कुछ बौने ग्रह को। जैसा कि हमने यम को ग्रह से हटा करके इसको बौना ग्रह का दर्जा दे दिया, यम पहले ग्रहों की श्रेणी में था। इसको जो 2006 में इंटरनेशनल एरोनॉमिकल यूनियन मतलब कि IAU के जो प्राग सम्मेलन हुआ था उसको यम को कहा गया कि अब ये बौना ग्रह है। और बौना ग्रह में इसको रखने का कई कारण है, क्योंकि यह चंद्रमा से छोटा है, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है, और ये जब चलता है तो वरुण की कक्षा को भी काटता है। यानी कि अगर वरुण की क्लास ये है तो ये ऐसे क्लास करता है, तो जो कि हमने जो ग्रह का रूल बनाया है ये इसको फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हमने यम को 2006 में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कब हमने इसको हटाया, तो 2006 में। अगर ज़्यादा जानना है तो चेक गणराज्य में इसको हटाया गया था, चेक गणराज्य के प्राग में। अब देख लेते हैं कुछ क्षुद्र ग्रहों के बारे में। ये तो बौने ग्रह थे, लेकिन अब देखेंगे क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तो ये क्षुद्र ग्रह हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मतलब कि शुरू से 4 के बाद और अंत के 4 के पहले, ये जो बीच में स्पेस है इसी में पाए जाते हैं। और ये कभी कभी आपसे पूछा गया है कि ये कौन कौन है, तो ये वास्टा, पैलेस और हाइडीजिया है। बस यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार यही पूछा गया है कि किस और किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, तो बस याद रखिए शुरू के 4 के बाद और अंत के 4 से पहले, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद और बृहस्पति से पहले। अब देख लेते हैं धूमकेतु के बारे में। तो धूमकेतु वही जिसको हम पुच्छल तारा कहते हैं, मतलब कि उसकी एक पूंछ होती है और ये धूल भरी पूंछ होती है, इसीलिए हमको ये चमकीली दिखाई देती है। और इस धूल के कण में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन मिलता है। यहाँ पे ये जो है ग्रहों के समान सूर्य का चक्कर भी लगाता रहता है। तो ये तो हो गए इसके थियरी के बारे में। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे और इनके लिए आपको ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए, और जो लोग ये वीडियो ऑफलाइन देखेंगे वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, मतलब कि किसने बताया था कि सूर्य है, उसके बाद से एक ग्रह हैं, चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले किसी ने बताया होगा, तो किसने बताया है ये आपको बताना है।
हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा। तो इसके लिए सही उत्तर है कार्परनिकस। सबसे पहले कार्परनिकस ने बताया था कि एक बीच में सूर्य है और यहाँ पे चारों ओर से ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगला है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं लगभग। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर तारामंडल पूछ लिया जाए तो यह है 89। 89 तारामंडल अभी तक ज्ञात है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन कवर इसलिए किया गया क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है। अगला है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो हमने इसको कवर किया है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो ये है 71%, 71% है ये। तो हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पे केवल हाइड्रोजन ही नहीं, इसके अलावा हीलियम भी पाया जाता है जो कि लगभग 26.5% है। यहाँ पे सूर्य में मतलब कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अगला है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पे पूछा गया है, जो सूर्य का सतह है उस पे पूछा गया है। तो सही उत्तर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का वहाँ पे तापमान होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना मिनट का टाइम लेता है। ये क्वेश्चन तो कई बार हम आपको रिपीट कराए हैं, अगर आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे वो लोग भी जरूर अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। सही उत्तर है 8.3 मिनट, यानी कि लगभग 500 सेकेंड। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। चंद्रमा का प्रकाश धरती पर आने में कितना टाइम लेता है। तो ये है 1.25 मिनट, यानी कि 1 मिनट 25 सेकेंड, 1 मिनट 25 सेकेंड। अगला है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो ये किया गया था रॉबर्ट पियरी के द्वारा। उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी रॉबर्ट पियरी के द्वारा। अगला है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। सबसे निकट तो ये है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। अगला है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। अभी हमने आपको बताया, सही उत्तर कमेंट करके बताइए तुरंत। तो सही है 4 जुलाई को। बढ़ते हैं आगे, और एक बार आपको याद दिला दें, जो भी आगे थियरी वाला पोर्शन था, अगर आप उसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसे पढ़ पाएंगे। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है मिलियन किलोमीटर में, यहाँ पे पूछा गया है। तो लगभग 15 है, यानी 150 के करीब करीब, देखिए जो ऑप्शन होगा तो यही है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यह किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था कार्परनिकस, इन्हीं ने सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे बीच में सूर्य है और चारों तरफ पृथ्वी है या फिर अन्य ग्रह हैं। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो ये है 43 किलोमीटर। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप इस थियरी को पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।